SW24 न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्मरण में। आज हम आपको लेकर चलते हैं कहानी किस्सों से दूर हकीकत की दुनिया में, जहां तीन महान क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, जो 23 मार्च 1931 की तारीख को इतिहास में अमर कर गए हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के अत्याचारों के बीच 28 सितंबर सन 1907 में सरदार किशन सिंह और विद्या देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम था भगत सिंह। पिता तो किशन सिंह और माता विद्या देवी हुई, मगर मातृभूमि के इस लाल को भारतवर्ष की हर माँ ने अपना बेटा माना और हर पिता ने अपना पुत्र। भारत के इस महान क्रांतिकारी ने सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर के साथ अद्भुत साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। जिस उम्र में भगत सिंह को घर के आंगन में, गांव की गलियों में साथियों के साथ खेलना था, उस उम्र में बम, बारूद और बंदूक की गोलियों के साथ खेलना पसंद किया। गोरे अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हिंदुस्तानी आवाम को अत्याचारों से मुक्त करवाने का ऐसा जज्बा कि ब्रिटिश सरकार भी इनके साहस के आगे नतमस्तक हो जाए। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट कर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंद कर दिया। इन बम धमाकों के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम देश भर में हर हिंदुस्तानी की जुबान पर चढ़ गया। देश की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौराहों पर इंकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे बुलंद होने लगे। देश भर में राष्ट्रभक्ति का ऐसा नशा चढ़ा मानो आज ही भारत गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो जाएगा। हिंदुस्तान का हर नागरिक इस क्रांति की अलग जगाने वाले क्रांति वीरों के साथ हो गया। हो भी क्यों नहीं, देश की आवाम को सदियों की गुलामी से आज़ाद होने के सपने जो दिखने लगे थे। भगत सिंह का मानना था कि हमें आज़ाद होना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। ऐसे उत्तेजक विचार वाले भगत सिंह का अंग्रेजों से नफरत का दौर बचपन से ही देखने को मिलता था। 12 वर्ष के अल्पायु में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने के बाद मातृभूमि के लिए कुछ करने की ऐसी ठानी कि जिंदगी फांसी के फंदे पर ही खत्म हुई। हम आपको बता दें कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जेल में रहने के दौरान भी वह साथियों के पत्र के माध्यम से पढ़ने वाली किताबें मंगवाया करते थे। यहाँ तक कि वह अपनी फांसी के तय दिन भी न्यूटन की जीवनी पढ़ रहे थे। किताबों से प्यार करने वाले आज़ादी के मतवाले भगत सिंह ने लिखा है कि सीने में जो जख्म हैं वह फूलों के गुच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जिंदगी अपने दम पर जीना, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे जाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अनंत वह ऐतिहासिक तारीख 23 मार्च आ गई, जब अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए। मगर अंग्रेजी साम्राज्य यह नहीं समझ सका कि एक भगत सिंह को मारने से कुछ नहीं होगा, अनेकों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। तो यह था हमारा आज का खास कार्यक्रम। आगे मिलते हैं और किसी महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।